लेकिन आप किस किस के पेपर्स हैं? यस, चलिए मैं इस पे आपको बात करूंगी। ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है, चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, असद उमर फवाद चौधरी के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं अकील अहमद, हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स देते हैं। अकील बताइएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में आज जो है वो चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और तीनों को 25 जुलाई को इलेक्शन कमीशन में जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। आज इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई जो है वो शुरू की जानी थी, लेकिन तीनों रहनुमा आज अदालत में पेश नहीं हुए और असद उमर की जानिब से ये बताया गया कि वो मेडिकली जो है वो ठीक नहीं है, जिसके बायस पेश नहीं हो सकती, जबकि चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी की जानिब से इलेक्शन कमीशन में कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई जो थी वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुलतवी कर दी और जो है वो तीनों रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और इलेक्शन कमीशन ने 35 जुलाई को इलेक्शन कमीशन पेश होने का हुक्म दिया है और इस हवाले से नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इलेक्शन और 25 जुलाई फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म भी आया। ठीक है अकील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे।